फिर साथ में ज्यादा से ज्यादा ओम एम हरीम कलीम चामुंडाई विचय का जाप करना है, और जहां जरूर ओम लगाना है आपको। कभी कभी बहुत सी स्थितियां ऐसे हुई, कुछ बच्चे बाहर स्टडी के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, और जैसे MBBS कर ली, PG करने के लिए, रेजिडेंसी करने के लिए गए तो रोक दिया गया उनको किसी स्थिति से। कहीं वो फेलोशिप कर रहे हैं, रोक दिया गया। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, एकदम कुछ ऐसी स्थितियां आई कि बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। इसके लिए बहुत कुछ दोस्तों किया जा सकता है। कहीं पे वो छोटा विद्यार्थी हो, बड़ा हो, उसकी स्टडी की बात रुक गई, ओम एम हरीम कलीम चामुंडाई विचय का जाप करना है, और जहाँ जरूर ओम लगाना है आपको। मैं बहुत बार मना करता हूँ, पर अब विद्या के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको जरूर ओम लगाना है। और इसके साथ दोस्तों श्री गायत्री जी का जाप आपको करना होगा। माँ गायत्री वेदों की माता है, और ऐसा कहा जाता है कि वेद गायत्री मान के द्वारा ही प्रकट हुए। वो वेद सबसे प्राचीन है, और गायत्री जी के प्रयोग भी इतने प्राचीन हैं कि उनके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री गायत्री जी का जो मंत्र है उसके अलग अलग हिस्से हैं, और तीन वेदों से लिए गए हैं। एक हिस्सा एक वेद से लिया गया, दूसरा दूसरे वेद से लिया गया, तीसरा तीसरे वेद से लिया गया। फिर उनको ऋषियों ने मुनियों ने साधना करके उसको हमारे लिए प्रसाद रूप में दिया। तो आपको गायत्री जी का जाप करना है, गायत्री माँ की पिक्चर रखनी है, गायत्री माँ की तस्वीर रखनी है, और साथ में कम से कम आप 24,000 जाप तो जरूर करें, 24,000, और गायत्री जी का थोड़ा सा सामूहिक रूप से जाप करें। सामूहिक रूप से जाप, परिवार के दो लोग तीन लोग बैठ जाएं तो गायत्री जी का पाठ करें सस्वर ऊंचे स्वर में। जैसे ही ऊंचे स्वर में पाठ करते हैं तो घर का वातावरण, बाकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जैसे ही थोड़ा चेंज हो जाए फिर गायत्री जी का जाप करें। अगर आपका बच्चा कर सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे 24,000 मंत्र का जाप आपका पूरा हो जाए तो उसके, जैसे कहते हैं ना, जितना हम जाप करें उसका दशम हिस्सा हवन करें, ना दशम हवन का दशमा तर्पण करें, मार्जन करें, चलो बाद की बात है, पर हवन आप जरूर कर लें। और जो हवन करेंगे उसमें लकड़ी को ना जलाएं। अगर आपको खैर की लकड़ी मिल जाती है तो खैर की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। खैर की लकड़ी ना मिले तो नारियल से हवन करें, घी की आहुति दें, हवन सामग्री अच्छी वाली प्रयोग करें। हो सके तो सफ़ेद कनेर के फूल, कर्ण के फूल भी कहते हैं, कनेर के फूल कहते हैं, तो एक फूल ले लें, उसको घी लगा करके, थोड़ा शहद लगा करके, फिर उस बच्चे से आहुति को दिलवाएं। तो जैसे 24,000 हवन किया आपने तो 2400 आहुति होंगी। 2400 आहुति में अगर आप कम से कम 200 आहुति भी फूल से दे देते हैं, 300 आहुति भी फूल से दे देते हैं, तो आप सोचिए कि आज से ही आपके बच्चे को एक नई शक्ति मिली। उसके बाद जो उसकी विभूति बनेगी, बसम बनेगी, उस बसम को बच्चे के मस्तक पे लगाएं, बच्चे के गले में लगाएं, उसको खाने के लिए बच्चे को रोज दे सकते हैं, और गायत्री जी के जाप को ना छोड़ें। तो ऐसा दोस्तों कोई कारण नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने से रुक गया था वो ना पढ़ना शुरू करे। ये बहुत अनुभव सिद्ध प्रयोग है, और अनुभव वाला ही प्रयोग है, क्योंकि जब मैंने 20 साल पहले 25 साल पहले सीखा तो नई बात थी, तो आज तो हजारों बच्चों का अनुभव है। और उसके लिए अगर रिसर्च करने वाले हैं, अगर तो प्राइमरी कक्ष रुक गया, प्राइमरी मीन के जो आपकी मेन डिग्री है, बैचुलर डिग्री तक कह सकता हूँ, उसके बाद आपकी रिसर्च कर रहे हैं और टेक्निकल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से गायत्री जी के प्रयोग हैं। मेडिकल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से गायत्री जी के प्रयोग हैं। आप संगीत के लिए कर रहे हैं उसके लिए अलग गायत्री जी के प्रयोग हैं।
तो उनकी चर्चा कभी फिर कन्नू जी के साथ करेंगे गायत्री पुरजोग में। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जरूर करेंगे। पर जहाँ के स्टडी का स्तंभन हो गया उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, फिर भी एक बार मैं बताना चाहता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्।